भाजपा के कार्यकर्ता आभार बैठक संपन्न। बैठक में कार्यकर्ताओं को किया गया सम्मानित। जनपद लखीमपुर खीरी की विधानसभा कस्ता में मंडल कस्ता के कार्यकर्ताओं द्वारा पुनर्निर्वाचित विधानसभा कस्ता के विधायक सौरभ सिंह सोनू का राधे रमन सोना देवी विद्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बैठक में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शामिल रहे। सभा को संबोधित करते हुए विधानसभा कस्ता के विधायक सौरभ सिंह सोनू ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की योजनाओं को दृष्टिगत रखते हुए विधानसभा की जनता ने अमूल्य मत देकर मुझे निर्वाचित किया है। हमारा प्रयास रहेगा कि मैं जनता और योगी मोदी के निर्देशन में जनहित कल्याणकारी योजनाओं को गाँव-गाँव तक पहुँचा सकूँ, जनहित के कार्य कर सकूँ, यही मेरा कर्तव्य रहेगा। आए हुए कार्यकर्ताओं ने विधायक को माला पहना करके स्वागत किया। महामंत्री कौशल किशोर वाजपेयी ने सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए पुनः 2024 अब दूर नहीं है, सभी कार्यकर्ताओं को अभी से तैयार रहने की आवश्यकता है। कार्यक्रम कस्ता मंडल के मंडल अध्यक्ष सुरेश चंद वर्मा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। चुनाव जीतने के बाद में माननीय विधायक जी का प्रथम आगमन के उपलक्ष्य में स्वागत समारोह का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें हमारे सभी देवतुल्य कार्यकर्ता मंडल के पदाधिकारी, शक्ति केंद्र संयोजक, बूथ अध्यक्ष एवं सभी मोर्चों के पदाधिकारी बुलाए गए और सभी लोगों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया, जिसमें हमारे रिंकू शुक्ला जी जिला उपाध्यक्ष जो कि विधानसभा के सह प्रभारी हैं, हमारे संतोष कुमारी जी जिला उपाध्यक्षा, हमारे मंडल के प्रभारी श्री विवेक दीक्षित जी, हमारे बड़े भाई श्री राजेश दीक्षित जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजीव वर्मा जी, सभी लोग उपस्थित रहे, जिनका मैं हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूँ। और हमारे सभी देवतुल्य कार्यकर्ता यहाँ असंख्य संख्या में उपस्थित हुए, जिसके लिए मैं सभी लोगों का वंदन अभिनंदन करता हूँ। और आगे जो 2024 का चुनाव आ रहा है उन लोगों के सामने, उसके लिए हमारी पार्टी और हमारे कार्यकर्ता अभी से ही पूर्ण रूप से सतर्कतापूर्वक काम कर रहे हैं, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी लगन के साथ में काम करने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी पार्टी का दिशा निर्देश रहेगा, उसी के क्रम में हम लोग कार्य करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।